डेंगू और चिकनगुनिया से जूझती राजधानी दिल्ली में बीती रात आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीजों से जमकर मारपीट की। डॉक्टरों का आरोप है कि एक मरीज और उसके रिश्तेदारों ने उनके साथ गाली गलौज की और इसको रोकने पर वो हाथापाई पर उतारू हो गए। इसके बाद वहां मौजूद एक महिला डॉक्टर ने मरीज को थप्पड़ जड़ दिया। मरीज के रिश्तेदारों ने बीच बचाव की कोशिश की तो वहां मौजूद गार्ड्स ने उनको भी नहीं बख्शा। मारपीट के बाद पुलिस आरोपी शख्स को थाने ले गई लेकिन डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। मारपीट की पूरी तस्वीरें मौके पर मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। ऊपर अल्लाह नीचे डॉक्टर, डॉक्टर का काम है बचाना। मैंने पहली बार लेडी डॉक्टर को देखा है, घूंसो लातों से मार रही है, गार्डों से पिटवा रही है। वो गार्ड इतना तगड़ा तो मेरे सामने लिया यार, 4 फुट के बच्चे को मार रहा हूं। उधर एक मरीज के परिजन ने तो रात की ड्यूटी पर तैनात आरएमएल के कुछ डॉक्टरों पर शराब के नशे में होने का भी आरोप जड़ दिया है। दारू पी करके अपना काम भी नहीं करते, ऊपर से पब्लिक और जो पब्लिक पेशेंट आ रहे हैं उसके साथ दूसरे बंदों को उनको मारा जा रहा है। अभी मेरे सामने 2 केसेस ऐसे हो चुके हैं जो इनके साथ अभी हुआ है, पब्लिक भी सब देख रही है उसके बावजूद है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है।